फवाद वो घर में डाकू घुस आए। क्या चौकीदार कहाँ है? पता नहीं, मैंने खुद किसी को जाते हुए देखा है घर के अंदर, कूदा है। तो मैं काम करो, खुद को फौरन किसी कमरे में लॉक कर लो और मेरे आने तक दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। मैं अब वापस तुम्हें नहीं जाने दूंगी उस इलाके में, वहां तुम नहीं रहोगी। अम्मा जान, आप लोगों की कमी मुझे हमेशा महसूस हुई है, मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकती। और देखे ना, अब सारा को मेरी जरूरत है तो अल्लाह ताला ने खुद ही मुझे इसके पास भेज दिया। ये लो, उसे कहना है स्पेशल मिठाई ऑर्डर करनी है। मैं अपनी असद की खुशी में सबको मिठाई बांटना चाहती हूँ। असद नाम रखा है अम्मा जान? हाँ, फवाद ने रखा है। बहुत प्यारा है। अम्मा जान बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने बड़ा खास कर्म किया है इस घर पर। शुक्रिया बेटा, बस अब मिठाई के साथ तुम लोगों को मैं कपड़े भी दूंगी। लगता है सबसे ज्यादा अम्मा जान को इसी पोते की खुशी हो रही है। ऐसे ये बच्चा मौजे से कम नहीं। बेशक। हेलो अम्मा जान, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी जान कैसे हो? भाई आपके घर तो पोतों की बहार हो गई है, साद, असद, अब शहरोज भी। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, अब नजर ना लगाना। भाई मेरी नजर नहीं लगती, आप टेंशन ना लें। और वो मैंने देखी है असद की तस्वीरें फवाद भाई के स्टेटस पे। हैं कहाँ फवाद भाई, इनको मैं कॉल करूँ फोन नहीं उठा रहे। हाँ बेटा, हॉस्पिटल में सिग्नल सही नहीं आ रहे थे, लेकिन सारा को आज ही घर ला रहे हैं। तुम बताओ एहना और शहरोज कैसे हैं? बस सब ठीक ठाक। अब आप लोगों ने आना है हमारे पास यहाँ? बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। अच्छा ये हिना से ही बात कर लें। हिना, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? हाँ बहुत खुश, तुम्हें बता नहीं सकती कितना खुश। फवाद, सारा बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें भी औलाद की नेमत से नवाज दिया, शुक्र है। सारा भी, फवाद भी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये नहीं। मेरे साथ को तो 10 रुपए तक देने की तौफीक नहीं हुई थी इसे, और अब देखो इसके बच्चे को इतने पैसे दे रहा है। सबको सारा और उसका बच्चा नजर आ रहा है, मेरा बच्चा तो किसी को दिखाई ही नहीं देता। फरवा, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, साद का भाई आ गया है। मैं अभी आती हूँ। फवाद भाई ये मिठाई। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो सारा। थैंक यू फरवा। ये देखो भाई, देखो असद आपका भाई आया है। भाई को देखो, है ना, देखो देखो असद, भाई को देखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जान के पास, आ जाओ। फवाद ड्राइवर को बता देना जिन जिन घरों में हमने मिठाई पहुंचानी है। ये तो आप सारा से पूछ लें, अपने दोस्तों को तो मैं अलग से भिजवाऊंगा।
सारा मुझे प्लीज लिस्ट दे देना, मैं बना दूंगी अम्माजान। वैसे इट्स अमेजिंग, मुबारकबाद के इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, इट्स अनबिलीवेबल। बिल्कुल ऐसा ही है। समझान, असद मेरे लिए बड़ा लकी साबित हुआ। मेरी एक पेमेंट थी जो कि पिछले 2 साल से फंसी हुई थी, 25 करोड़ की। जिस दिन ये पैदा हुआ है उसी दिन वो पेमेंट भी उन्होंने रिलीज कर दी। सीरियसली? सही कह रही हूँ। वैसे जिसको भी हम ये खबर दे रहे हैं वो दिल से खुश हो रहे हैं। ये तो होना ही था आखिर, सारे इतनी मिलनसार जो। ये तंग हो रहा है शायद, मैं इसको चेंज करवा के लाती हूँ। बाय बाय सार। साथ तो मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन अब असद के आने से मेरा ख्वाब पूरा हो गया। ये हम सबकी दुआओं का नतीजा है मुझे, आपकी स्पेशली। अभी से ही सब लोग असद को साथ पर अहमियत दे रहे हैं। साथ को इतना प्रोटोकॉल कभी नहीं मिला जितना असद को मिल रहा। मेरे बच्चे को नीचा और सारा के बच्चे को फौकियत। मेरे बच्चे के साथ भी वही सलूक होगा जो मेरे साथ होता आया है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा फवाद कि मेरा बच्चा अभी मेरी गोद में। तुम्हारा नहीं, हमारा। हमारी मोहब्बत की निशानी। इसलिए तो मुझे आपके जैसा लगता है ये। अच्छा, मुझे तुम पर लगता है। जानती हो, मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुझे बेटी दे, और बिल्कुल तुम जैसी। वैसे भी रहमत के बगैर घर मुकम्मल कहाँ होता। हाँ फवाद, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि बेटी हो। अच्छा, लेकिन जब आपको देखती हूँ ना फवाद, तो दिल करता है कि बेटा हो। आप बहुत अच्छे बेटे, अल्लाह करे मेरा बेटा भी, हमारा बेटा भी आप पर जाए। इसका मतलब है कि असद का सारा क्रेडिट मुझे जाता। जी बिल्कुल, मैं तो पहले ही आपके सामने सरेंडर कर चुकी। आप बेस्ट हैं। सारा,
सच बताऊं अब वाकई लगता है कि हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई। पहले औलाद की कमी का एहसास तुम्हें अजियत देता था, तो मेरा बस नहीं चलता था कि मैं दुनिया की सारी दौलत खर्च करके तुम्हारी इस कमी को पूरा कर दूं। मैं अच्छी तरह जान रही हूं फवाद, मेरी जरा सी अजियत आपको कितनी तकलीफ देती है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हारी इस कमी को भी दूर कर दिया। हाँ फवाद, मैं भी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। फवाद, औलाद की कमी के बावजूद इतने सालों आपने जितना मेरा साथ दिया ना, उस चीज का कोई नेमुल बदल है ही नहीं। मैं तो आपका जितना शुक्र अदा करूं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है फवाद। फवाद, आपने हमेशा मेरी हिम्मत बंधाई रखी, कभी मुझे कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहा जिससे मुझे अजियत हो। कैसी बातें कर रही हो सारा, मोहब्बत में अजियत कहाँ होती है। इसमें तो इज्जत, आराम, दिलजोई और सुकून होता है। ये घर, फैक्ट्री, जायदाद सबका वारिस सिर्फ मेरा साथ था, और अब असद भी इसमें शामिल होगा, और वो खानदानी हार। मैं अपने बेटे के साथ इतनी बड़ी हक तलफी नहीं होने दूंगी। ये सब कुछ साथ का है और सिर्फ साथ का ही रहेगा। मैं किसी को इसमें शरीक नहीं होने दूंगी, असद को तो हरगिज़ नहीं। पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी वास्ते तुम्हारी आंख ना खुले। असद ने सारी रात सोने नहीं दिया ना। हाँ फवाद, मैं तो तरसती थी इन रातों के लिए ना कि मैं किसी के लिए जागूं। जानता हूँ, लेकिन इसकी मोहब्बत में अपनी इस मोहब्बत को भूल मत जाना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता फवाद, आपकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। ये भी अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, मुझे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है।
मैं मीना से कहता हूँ कि आपको नाश्ता यहीं पेश कर दिया जाए। ठीक है फवाद, अपना रसद का ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। मम्मू को सुबह सुबह उठा दिया है भाई, सुबह सुबह उठा दिया भाई। अच्छा बस चलो आपका पैंपर चेंज करो, बल्कि आप लेटो मैं भी आती हूँ, ठीक है? मम्मा भी आ रही है। ये क्या किया तुमने? उसको गिरा दिया? तुमने मेरे बच्चे को गिरा दिया? हा? मैंने गिराया? तुमने खुद गिराया इसको फरवा? तुमने गिराया मेरे बच्चे को? साथ साथ बता के खोलो साथ। फारूक जी भाई, मीना से कहो सारा का नाश्ता उसके कमरे में भेज दो। जी। फरवा नहीं आई अभी तक? जी उनको बता दिया, वो आ रही हैं। क्या घर में कितनी खुशियां आ गई, बच्चों की रौनक, इसी को तो मैं तरसती थी। हाँ अल्लाह का शुक्र है, ऐसे साथ तो काफी शरारती हो गया अब। बदला ले लिया मेरे बच्चे से? हाँ तुम पागल हो गई हो? गिरा दिया मेरे बच्चे को तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पागल तो नहीं हो? तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। साथ साथ आके खोलो साथ। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फवाद जल्दी आए। फवाद साथ होश करो, साथ उठो, साथ साथ क्या हो गया? उठो साथ, उठो। क्या हुआ साथ? साथ साथ में होश हो गया, इसने धक्का दिया साथ को। क्या क्या बोल रही हो फरवा? तुम झूठ, क्या हो गया तुम्हें फरवा? क्यों करेगी? मैंने खुद देखा जब मैं कमरे में आई तो इसने धक्का दिया और ये बेहोश हो गया। ये फजूल बातों करी, इसे साथ इसे हॉस्पिटल लेकर जाना। साथ साथ अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बोल रही हो तुम? अम्मा जान ये झूठ बोल रही है, मुझे यकीन नहीं हो रही। इतनी गलत बात मेरे बारे में कैसे कर सकती है? साथ में ये भी औलाद है।
तसल्ली रखो बेटा, मुझे लगता है फरवा फिर से कोई जाल बिछा रही है। अम्मा जान खुदा की कसम मैंने ये नहीं किया। बेटा हमेशा सच का साथ देता है, तुम फिक्र मत करो। आप यकीन करती है ना मुझ पे? अपनी जान से भी ज्यादा। तुम ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती, बस दुआ करो कि साथ ठीक हो। बेटा साथ को कुछ होगा तो नहीं ना? तो भी घबरा गया होगा बेचारा। साथ आंखें खोलो। अब बात ये तो आपसे बात मत करो। मेरे बच्चे की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम। ये सब कुछ सारा की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे का हाल उसी की वजह से हुआ है फवाद। आपको पता है वो पता नहीं क्या क्या पढ़ के भूखती रहती थी मेरे बच्चे पे, कोई जादू टोना करती थी। मेरी दुश्मन है वो, मैं उसको कभी। तुम अपनी बकवास बंद कर सकती हो कि नहीं? सर साथ कैसे? उसको एपिलेप्टिक सीजर्स हुआ है और इसकी रीजन वही सीवियर हेड इंजरी है जो कुछ अर्से पहले हुई थी। अब बच्चा भी बेहोश है लेकिन अभी ऐसा ही होता रहेगा सारी जिंदगी, इसको सीजर्स आते रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि एपिलेप्सी का कोई इलाज तो है नहीं, वक्ती तौर पर इसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपको और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी फेस करनी पड़ेगी। आप दोनों को इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, बच्चे का बेहोश होकर गिर जाना, सांस का रुकना, जिस्म का करना, मुंह से झाग निकलना या ऐसे और भी कई किस्म के सिम्टम्स हैं। सब पूरी दुनिया में कहीं तो उसका इलाज होगा, किसी मुल्क में भी मैं अपने बच्चे को लेके जा सकता हूँ? इस बीमारी का कोई भी इलाज दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और मेडिसिन्स हैं लेकिन इससे सीजर्स कम किए जा सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। सारा तक फवाद का फोन नहीं आया, तेरी साथ को होश भी आया है नहीं, दिल बैठा जा रहा है। कुछ नहीं होगा अम्मा जान, इंशाल्लाह हमारी दुआएं सिर को साथ को लगेंगी। बेटा फवाद को फोन करके तो देखो। हाँ मैंने किया था,
काट दिया कॉल। क्या खैर करे, बस मेरे बच्चे को अपने अमान में रखे। आपको जब भी टाइम मिले तो आप मुझसे जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिलहाल आप बच्चे को ले जा सकते हैं। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? ऐसा कैसे हो सकता है फवाद? फवाद फवाद वो तो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था। फवाद क्या हो गया साथ को? कभी कभी इंसान के बदमाशियों की सजा कुदरती सूरत में भी देती है। क्या मतलब? आज मुझे यकीन हो गया है कि कुदरत अपने मासूम बंदों पर किए गए मजालिम का हिसाब खुद लेती है। सारा ने हमेशा तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाला, तुम्हें माफ किया और तुमने उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं दिया। आज भी तुमने उस पर इल्जाम लगाया। तो सच है ना कि तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया? आज मैं तुम्हें कब का फारिग कर चुका हूं तो, लेकिन सिर्फ साद और सारा की वजह से नहीं किया। उसने हर बार तुम्हें माफ किया लेकिन तुमने उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और आज कुदरत ने तुम्हें ऐसी मात दी है कि तुम अपने बच्चे की मुजरिम बन गई हो। उसे पहली चोट भी तुम्हारी वजह से लगी, आज भी तुम्हारी वजह से गिरा है वो। मैं सारा से माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं हर अजियत झेलने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं। कितनी बार माफी मांगोगी और कितनी बार यही करोगी? तुम तुम्हारी फितरत नहीं बदल सकती। हाँ शायद इस बार बदल जाए, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें ऐसी सजा दी है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और यही मकाफात अमल है फरमा, तुम्हें अपनी सजा खुद भुगतनी होगी। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ फरमा, मुझे जो सजा दे दिए दे दे, मेरे बच्चे को मेरी सजियत में दे दे। एक मेरा भी बच्चा है, कुदरत का यही फैसला है। बच्चे गलती होगी, माँ को सबसे ज्यादा अजीज उसकी औलाद होती है। जब भी तुम अपनी औलाद को तकलीफ में देखोगी, मेरे सारे गुनाह याद आए। मैं माफी मांगूंगी, मुझे माफी चाहिए।
कैसी तबीयत है साथ की? अभी तक बेहोश है। होश क्यों नहीं आया उसे अभी तक? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? एपिलेप्टिक सीजर्स। क्या, कैसे? साथ को जहां सर पे पहले चोट लगी थी उसी जगह पे दोबारा चोट लगी है। ठीक हो जाएगा फवाद, वो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा सारा, क्या करूं? अम्मा जान, क्या हुआ बेटा? अम्मा जान, साथ को मिर्की का दौरा। क्या, किसने कहा? वो इतना सा बच्चा इतनी बड़ी बीमारी को कैसे झेलेगा? अम्मा जान, मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है। आंखें खोलो। अब बात ये तो आपसे बात मत करो। मेरे बच्चे की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम। Thank you.
सही कह रहे हो, साथ की औरत की जिम्मेदार मैं ही हूं। सारा के बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी ना मैंने, देखो अल्लाह ताला ने मेरा ही बच्चा, इतने बड़े गुनाह की माफी कैसे मांगूंगी, किस किस गुनाह की माफी मांगूंगी। मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा है, कैसे माफी मिलेगी मुझे। सारा प्लीज मेरी जान बस करो, रो रो के हलकान हो गई हो तुम। कैसे ना रो मारिया, अभी मैं असद तो अब आया ना, साथ को तो मैंने मां बन के पाला है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा उसको, ऐसे मैं नहीं देख सकूंगी। पता नहीं किसकी नजर लगी साथ को। नजर नहीं लगी अम्मी, लापरवाही है सरासर फरवा की, जिसका नतीजा ये है। नहीं बेटा, किसी को मलामत मत करो, बस दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चे पे रहम करे, साथ ठीक हो जाए, बस हो जाएगा बस। बस होश आया साथ को? साथ अब ठीक है और होश में आ गया है, लेकिन ऐसे बच्चों की केयर आम बच्चों की बनिस्बत बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है। यूं समझ लिए कि 90% आपको इसकी केयर करनी होगी। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, अचानक से एपिलेप्टिक सीजर्स दोबारा आ सकते हैं। क्योंकि बच्चा छोटा होता है उसे कुछ मालूम नहीं होता, खेलते कूदते दौरान सीजर अटैक आ जाते हैं और बच्चे की डेथ हो जाती है और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता। इस बीमारी के बारे में तमाम प्रिकॉशंस और लिटरेचर मैं आपको दे दूंगा, फिलहाल आप बच्चे को घर ले जा सकते हैं। और प्लीज आपके पास जब भी फ्री टाइम हो आप मुझसे कंसल्ट जरूर कीजिए। जी।